अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तानियों ने दो चीनियों को अस्पताल पहुंचा दिया, एक चीनी को मार दिया है, तो कहाँ है पाक चीन दोस्ती? पाक चीन दोस्ती की अगर आप बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारी लड़कियाँ स्मगल हुई हैं लाहौर में, इस तरह के 3-4 केसेस आए, कुछ के साथ ज्यादती के। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कराची में 3 चीनियों के ऊपर हमला हुआ था और जिसमें वो मारे गए थे। तो पाक मीडिया आज उसके बारे में बात कर रहा है और पाक मीडिया इस पे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ले रहा है और इस रिएक्शन से पता चलता है कि पाकिस्तानी पब्लिक का रवैया क्या है चीनियों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक चीनियों के ऊपर दोष दे रही है कि चीनी जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी लड़कियों को चीन ले जाके गलत गलत चीज़ें करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान में चीनियों के ऊपर हमला होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक भी चीनियों पे दोष दे रही है चीनियों पे हमले के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा, तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानियों ने एक चाइनीज पर हमला किया है, उसको गोली मारी है, उसको कत्ल किया है और बाकी के जो 2 चाइनीज हैं वो इस वक्त अस्पताल मुंतकिल हैं। पहले इनके साथ क्या हुआ है, कितनी लाशें उठाई है इन्होंने, अफसोसनाक है। और अगर एक भी होता तो भी इस हरामकारी में, अगर अल्लाह माफ करे इसे हरामकारी समझा जाए तो तुम बराबर के शरीक हो, इस गुनाह में अगर इसे गुनाह अजीम समझा जाए तो तुम बराबर के शरीक हो। और आज एक जो नई खबर जो देखने में आई है कि आपके सी पैक के जो मंसूबे हैं वो चाइना ने बिल्कुल उन पे कहा है कि हम आगे इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आपने जो 26 करोड़ डॉलर खा लिया, आपने 26 बिलियन वो आप रखें, आपने उनके ऊपर जो पीजे वीजे बनाए हैं वो एंजॉय करें आप, हम आगे इसमें नहीं चलेंगे क्योंकि आप हमारी जान की तहफ्फुज़। चाइनीज हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाके खुश नहीं हैं क्योंकि आपने उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की है। दो दिन पहले भी एक डॉक्टर और बल्कि 2 चाइनीज को मारा गया कराची में इसी में। और दूसरा उन्होंने जो आपके तवानाई के प्रोजेक्ट लगाए थे आपने उनको पैसे नहीं दिए, आप उनकी बिलिंग नहीं करते, आपने हर तरीके से उनको लूटा है, उनके प्रोजेक्ट्स में डिले करके रिश्वतें मांग मांग के और उनको ओवर बिलिंग कर करके उनके साथ ड्रामे कर करके जमीनें खुद उनकी जहां जहां से सीपैक की सड़कें गुजरती थी जहां उनकी प्रोजेक्ट्स थे आपने वहां जमीनें खरीद खरीद के बड़ा पैसा बनाया है माशाल्लाह। आपने पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन उन पैसों के साथ अमरीका में, यूरोप में, दुबई में बहुत तरक्की की आपने, उसमें कोई शक नहीं। और वो आपसे माफी मांग गए हैं चाइना वाले। और जब आप अब रेलिवेंट नहीं रहे आप, उसकी वजह यह है दुनिया को पहले आप अफगानिस्तान बेचते रहे, अब वो भी फार सेल नहीं है, वो डायरेक्ट कतर के हाथ में चला गया और वहां से खाने को कुछ नहीं है। और उसके बाद आपने कोशिश की कि चाइना की दोस्ती बेचें, दुश्मनी बना के अमरीका को, सी पैक का वो भी आपने कैश करा लिया $26 बिलियन में। अब आपके पास बिलावल भुट्टो साहब ने अगले दिन कैश कराने की कोशिश की है सैलाब को कि ये दुनिया का पोल्यूशन है। तो मेरे भाईजान भुट्टो भाईजान ये पोल्यूशन चाइना का है मेरे वीर, वहां उनसे पैसे मांगे। अमेरिका का पोल्यूशन पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा इस वक्त, दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर चाइना है, उनसे पैसे मांगो जाके। अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तानियों ने 2 चीनियों को अस्पताल पहुंचा दिया, एक चीनी को मार दिया है, तो कहाँ है पाक चीन दोस्ती? पाक चीन दोस्ती की अगर आप बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारी लड़कियाँ स्मगल हुई हैं लाहौर में, इस तरह के 3-4 केसेस आए, कुछ के साथ ज्यादती के वाकयात आए, कुछ स्मगल हो गए चाइना तक पहुँच गई और वहाँ पर उनकी बहुत सी वीडियोज आपके सामने आई होंगी सोशल मीडिया पर कि वो रो रो के बता रही थी अपनी कैफियत हालात। अगर पाक चीन दोस्ती की बात की जाए तो वो सी पैक मनसूबे तक है, क्योंकि हर बंदा यही चाह रहा है कि मेरे जो मकासद हैं वो मुझे हासिल हो जाए, अगला बाढ़ में जाए, मेरा गार्ड बचे, चाहे पूरे शहर को आग लग जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि पाक चीन दोस्ती का सिर्फ एक टैग था? या बिल्कुल एक टैग ही था, क्योंकि अगर जैसे आप बात बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखी थी, वो जो कत्ल हुआ था उसकी वजह भी यही थी कि उनका एक जो लड़के का कत्ल हुआ था उसकी वजह यही थी कि वो लड़की के ही केस में था,
दो मतलब उस शादी का झांसा दिया था जिसके बाद वो कत्ल हुआ, और जो हॉस्पिटल है उनका भी मुझे कंफर्म नहीं पता। और अगर टैग की बात की जाए तो बिल्कुल टैग तक ही आपको दिखेगी, क्योंकि हमारी कौम इतनी बेवकूफ़ बन चुकी है। इस साल का जो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो ऑरेंज ट्रेन को मिला है, जो कि चाइना का मनसूबा था, और वो अवार्ड चाइनी लोगों ने संभाला है और फिर अपने मुल्क में मूव ऑन कर। बलोचिस्तान में भी चाइनीज के साथ काफ़ी कुछ होता रहा, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि इस तरह फिर बाहर से एड आने यानी कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे अगर इस तरह के वाकयात हुए तो पाकिस्तान में। ऑब्वियसली इन्वेस्टर ने आना ही यहाँ पर बंद कर दिया। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इस मुश्किल वक्त में चाइना हमें छोड़कर भाग चुका है, नो मनी नो हेल्प की मुहिम उसने हमारे लिए चला दी है। हाँ, वो जो ये चाइना है ना, ये कि दुनिया भर में के ये के महंगी किस्म की ये इन्वेस्टमेंट्स के करता है, ये यूरोपियन या अमेरिका की तरह ग्रांट्स चाइना नहीं देता, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि श्रीलंका की जो ये चाइना ने के वो के बंदरगाह जो हैंडओवर के कर ली है वो इसी वजह से की थी कि श्रीलंकन के गवर्नमेंट चाइना का डेट जो था वो पे ऑफ नहीं के कर सकी थी, तो वो उन्होंने ये हैंडओवर कर ली। और ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अफ्रीका में भी कि चाइना के महंगी तरीन ये इन्वेस्टमेंट्स की करता है। लेकिन सर इस वक्त चाइना भी हमारे मुखालिफ जो है वो खड़ा हो गया है, और सीपैक तक ही हमारी जो दोस्ती थी वो महदूद थी, चाइना ने ये बात प्रूव कर दी है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं, तो इस वीडियो को देख के पता चलता है कि अब पाकिस्तानी पब्लिक भी चीनियों के खिलाफ हो रही है, और ये कुछ महीनों में हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ सालों पहले पाकिस्तानी चीनियों की तारीफ करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती समुद्र से भी गहरी है और पहाड़ से भी ऊंची, और भारत पाकिस्तान और चीन के दोस्ती से जलता है। तो इतनी जल्दी ये बदलाव क्यों आया? तो ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि चीन ने कह दिया है पाकिस्तान को कि सीपैक में अब वो और पैसे नहीं लगाएंगे जब तक पाकिस्तान जो पैसा चीन ने पाकिस्तान को दिया है वो पाकिस्तानी सरकार वापस नहीं देती। तो उसके बाद ही अब पाकिस्तान भी चीन के खिलाफ होने लगा है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान उन्हीं देशों की तारीफ करता है जो देश उन्हें पैसा देते हैं, और जब कोई देश उन्हें पैसा देना बंद कर देता है तो पाकिस्तानी उन्हीं देशों की बुराई करने लगते हैं। और ये पाकिस्तानी पब्लिक ने जो कहा है कि चीनी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में स्मगल करते हैं, तो ये स्मगलिंग क्या चीनियों ने कुछ महीनों में शुरू की? ये तो कई सालों से हो रही है। तो पाकिस्तान अब ये चीज़ क्यों उठा रहा है? पाकिस्तान अब ये चीज़ इसलिए उठा रहा है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान का रिश्ता पैसों पे डिपेंड होता है। पैसों पे डिपेंड होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से भी चीन पैसा लेता है, पैसों पे डिपेंड होने का मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान ही चीन से पैसा लेता है, और जब वो पैसा बंद हो गया तब पाकिस्तान को ये सब याद आया कि हमारी लड़कियों को चीन तो स्मगल करता है और ये सब गलत गलत चीज़ें करता है, तो इससे पाकिस्तानी एक्सपोज हो रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि चीन लड़कियों की स्मगल करते हैं तो इसीलिए उन पर हमला हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि चीनियों के खिलाफ पाकिस्तानियों की नफरत कितनी आगे तक बढ़ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।